हेलो पंकज, कैसे हो? तुम्हें इस नई पोजीशन के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, लेकिन मैं थोड़ी चिंता में हूँ। क्या, मगर क्यों? सर, मुझे नई एडमिन बिल्डिंग के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना है और मेरे पास इसका कोई अनुभव नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण काम है और अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो विजिलेंस केस भी हो सकता है। अगर यही बात है तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। विभाग ने प्रोक्योरमेंट पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम भी इस ट्रेनिंग के लिए दे देता हूँ। धन्यवाद सर, ये मेरे लिए बहुत ही सहायक होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पंकज, क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से हुआ। तो उन्होंने क्या क्या सिखाया? सर, ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोक्योरमेंट प्रणाली के विभिन्न चरणों के बारे में बताया गया। मुझे लगा कि सारे सर्कुलर और गाइडलाइंस को याद रखना बहुत मुश्किल है, तो मैंने पूछा कि इनका पालन कैसे सुनिश्चित करें। तब उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने CVC के साथ मिलकर वर्क्स, गुड्स, कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज के लिए मैनुअल बनाए हैं और गेल ने इन गाइडलाइंस और मैनुअल को अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में शामिल कर लिया है। ये तो एक अच्छी जानकारी है। अच्छा, और क्या बताया ट्रेनिंग में? सर, उन्होंने बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट की परिकल्पना करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी जरूरी है और आवश्यक बजट का प्रावधान भी सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अप्रूवल्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डेलीगेशन ऑफ पावर के अनुसार अप्रूव्ड होना चाहिए। टेंडर का इवेल्युएशन नोटिफाइड बिड के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ये तो बहुत दिलचस्प है कि एक टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करते समय ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। मैं और जानने के लिए उत्सुक हूँ। जी सर, कॉस्ट एस्टिमेट के लिए डिटेल्ड एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। वाह पंकज, ट्रेनिंग में इतना विस्तार से बताया। अच्छा, और क्या बताया? सर, बिड इवेल्युएशन क्राइटेरिया निष्पक्ष रूप से तैयार किए जाने चाहिए और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर यानी NIT को संगठन की वेबसाइट और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल यानी CPP पोर्टल पर प्रकाशित करना जरूरी है। प्रभावी मूल्यांकन के लिए टेंडर इवेल्युएशन कमेटी का गठन होना चाहिए। टेंडर बिडर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की उपस्थिति में ही खोला जाना चाहिए। इसका मतलब टेंडरिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा प्रयास लगता है। जी सर, टेंडर अवार्ड करने की प्रक्रिया में निर्धारित समय सीमा का पालन करना भी जरूरी है। और एक जरूरी बात, जिन भी टेंडर्स में इंटेग्रिटी पैक्ट एप्लीकेबल हो उन टेंडर डॉक्यूमेंट में इसे शामिल किया जाना चाहिए। अरे वाह पंकज, सचमुच ये वाकई एक महत्वपूर्ण लर्निंग प्रोसेस था। सर, ये ड्राफ्ट टेंडर डॉक्यूमेंट है। दिस इज वंडरफुल पंकज, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। धन्यवाद सर, ये तो ट्रेनिंग में मिली जानकारियों के कारण ही संभव हुआ है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।